छतरपुर शहर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से अवैध रेत परिवहन को लेकर जानकारी मिल रही थी। शिकायतों को देखते हुए खनिज राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। खनिज विभाग की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। आज उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की गई है सटाई रोड पे, और वहाँ जो वाहन मिले हैं उनको जब्त करके थाना परिसर में रखा गया है। किस तरह की कार्रवाई रही है सर, और क्या शिकायतें मिली? यहाँ शिकायतें आ रही थी कि अवैध रेत का अवैध परिवहन उत्खनन हो रहा है और वहाँ से निकल रहे हैं वाहन, तो उस पर कार्रवाई की गई थी।